जय हिंद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी कि 10+2 लेवल ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में, जहाँ पर आपको इसके लास्ट डेट अपडेट के बारे में बताया जाएगा कि आपकी लास्ट डेट अब आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। और ये वीडियो मैं आपके लिए स्पेसिफिकली इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो लास्ट डेट के समय आने पर फॉर्म भरते समय प्रॉब्लम आती है उनका सोल्यूशन दे पाऊँ और आपको बता भी पाऊँ कि आपकी लास्ट डेट क्या है। अगर आपको नहीं पता तो पहले लास्ट डेट जब वैकेंसी अनाउंस हुई थी तो आपकी 20 अक्टूबर थी, बट इसको पहले ही बढ़ा करके 27 अक्टूबर 2024 कर दिया है। और ये वीडियो मैं आपके लिए 26 अक्टूबर में बना रहा हूं, तो यानी कि आपके पास कल तक का समय है इस फॉर्म को भरने के लिए। अगर आप 27 अक्टूबर तक फीस जमा नहीं कर पाते और फॉर्म फाइनल सबमिट कर देते हैं तो फिर आपके पास 28 से 29 अक्टूबर तक का समय होगा अपनी फीस को जमा करने के लिए। एंड अगर आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाए और आपको बाद में पता चले कि आपके फॉर्म के अंदर कोई गलती हो गई है तो आप उसको 30 अक्टूबर से 6 नवंबर 2024 के बीच में एडिट या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। अब आपको यहां पर पूरी जानकारी इसके बारे में दी जाएगी कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो गाइस, अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। उसके बाद जो लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, ये आप ओपन करेंगे। आपको याद ही होगा कि अंडर ग्रेजुएट यानी कि 10+2 लेवल पर आपकी 3,445 पोस्ट निकाली थी एंड किसके लिए कितनी वैकेंसी थी वो आप यहां पर इस टेबल में देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए किस पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसकी जानकारी दी गई है। तो बेसिकली सभी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता मांगी है। अब आप ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आएंगे और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको फोटो साइन अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आता कि फोटो कैसे बनाना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, साइज कितना रखना है, पिक्सल कितना रखना है, बैकग्राउंड कैसा रखना है, तो उसको लेकर के वीडियो स्पेसिफिकली बनाई हुई है। आप इस वीडियो को वॉच करके फोटो साइन के बारे में अच्छे से जानकारी समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे आपको फोटो या फिर साइन आपका मोबाइल से या कंप्यूटर से बनाना है। तो आप एक बार इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। उसके बाद गाइज, इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन से आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहां पर आने के बाद में आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के ऊपर तभी क्लिक करना है जब आपने 2024 के अंदर इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भरा होगा या फिर आपने आपका रजिस्ट्रेशन किया होगा। तो फिर आप यहां पर आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस, साथ ही पासवर्ड जो आपने बनाया था आई एम नॉट रोबोट, इसके ऊपर क्लिक करके लॉग इन कर लेंगे। पर गाइज, अगर आप फ्रेशर है, इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म अभी तक 2024 में आपने नहीं भरा तो आप क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पर प्लीज नोट करके रेलवे की तरफ से आपको यही कहा जा रहा है कि अगर आपने आरआरबी के द्वारा जारी सीएन का कोई भी फॉर्म भरा है जिसमें कि आपका एएलपी का भी फॉर्म था, टेक्नीशियन का भी फॉर्म था, कांस्टेबल एसआई का भी फॉर्म था, जेई का भी फॉर्म था, अगर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, पहले ही आप पुरानी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके लॉग इन कर लेंगे। पर क्योंकि आप इस इंटरफेस पर आए हैं तो आप फ्रेशर है, आपने कोई रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है तो आप यहां पर ओके करके आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कर लीजिए। अब गाइज, यहां पर मैं आपको एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूं जो कि टेस्ट बुक की तरफ से है, क्योंकि गाइज टेस्ट बुक आपके लिए ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो लेकर क्या है सिर्फ 608 रुपए में, जो कि कामयाबी एक्सप्रेस सेल के तहत आपको मिल रहा है। और यहां पर भी आपको अगर आप मेरे कोड GDH का इस्तेमाल करेंगे तो तुरंत 13% की ऑफ मिल जाएगी, यानी कि जो 608 रुपए है इसमें से 13% की छूट आपको GDH कोड का इस्तेमाल करते ही एक्स्ट्रा मिल जाएगी। तो आपको इस कामयाबी एक्सप्रेस सेल का लाभ उठाना है क्योंकि ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलते। और टेस्ट बुक के ऊपर जितना भी कॉन्टेंट अवेलेबल है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, किसी भी फील्ड में हो, चाहे रेलवे में या फिर किसी भी एग्जाम का, उस सभी का एक्सेस आप यहां पर इस अमाउंट में ले पाएंगे जो कि 608 रुपए आपका एक नॉर्मल अमाउंट है, पर GDH कोड इस्तेमाल करते ही एक्स्ट्रा 13% की छूट मिलेगी। तो आपको इसको तुरंत बाय कर लेना है, जैसा कि मैंने कहा कि ये मौके आपको बार बार नहीं मिलते हैं। जाइए इसको बाय कर लीजिए, कोई सवाल कोई डाउट रह जाए या फिर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले कंट्री ऑफ नेशनलिटी में आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे, फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जो भी आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग है वो आपको यहाँ पर डालना है, उसको दोबारा से डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। अगर आपने 10वीं के बाद में आपका नाम बदला है तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे, पहले ईयर, फिर यहाँ से आपका जो भी मंथ है वो और उसके बाद में डे, एंड देन उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेंगे। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। फिर फादर नेम डालेंगे, फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद मदर नेम डालना है, मदर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है।
फिर आता है आपका आधार कार्ड का नंबर, तो आप आधार कार्ड नंबर डालिए और वेरीफाई यूजिंग आधार इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप आई डू नॉट हैव आधार कार्ड इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आई डू नॉट हैव आधार कार्ड इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और फिर इनमें से कोई भी एक आईडी आपको सेलेक्ट कर लेनी है एंड देन उसका जो भी नंबर है वो यहाँ पर डालना है। इसी अथॉरिटी बतानी है कि कौन सी अथॉरिटी के द्वारा आपका ये आईडी जारी हुआ है और कहाँ से जारी हुआ है, उस स्थान का नाम भी आपको देना होगा। पर अगर आपके पास आधार है तो फिर आपको ये देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आप यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे और जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर नंबर डालेंगे सेम वे में और मोबाइल वाला जो ओटीपी है वो जनरेट करेंगे और उसको यहाँ पर डाल देंगे एंड देन आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड के अंदर आपके इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, साथ ही साथ कोई एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बना लेंगे और फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे एंड देन एक कैप्चा कोड डाल करके प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने जो भी इन्फॉर्मेशन आपने भरी रजिस्ट्रेशन के समय वो आएगी और आप जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो आप उसको सबमिट कर देंगे। क्योंकि मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है इसलिए मैं यहाँ पर होम के ऊपर आकर के ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करके अपना रजिस्टर्ड नंबर और पासवर्ड यहाँ पर डालता हूँ और फिर कैप्चा कोड डालने के बाद में लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ और आपको भी ऐसा ही करना है। लॉगिन करने के बाद में गाइज आपको यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस के सेक्शन से ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन पर आना है और आप यहाँ पर देखेंगे कि अभी यहाँ पर सिर्फ आपकी एक ही कैटेगरी की वैकेंसी दिखाई दे रही है जो कि अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट की भी हटा ली है और टेक्नीशियन की तो पहले ही हट चुकी थी। तो अभी आप यहाँ पर आपका आरआरबी सेलेक्ट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ पर आप कोई आरआरबी सेलेक्ट करते हैं और फिर फाइनल सबमिट के सेक्शन पर जाते हैं तो वहां पर आता है कि यू आर नॉट एलिजिबल। तो अगर आपके सामने यू आर नॉट एलिजिबल आ रहा है इसका मतलब है कि आप जिस आरआरबी में अप्लाई कर रहे हैं उस आरआरबी में आपकी कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है और आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो इस वजह से ऐसा एरर आता है। या फिर कभी कभी जब सर्वर डाउन होता है उस वजह से भी वो एरर आ जाता है। तो अगर आपके सामने वो एरर आ जाए तो फिर से आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन में आना है और जिस आरआरबी से आपने अप्लाई करके देखा जिसमें कि आया कि आप यू आर नॉट एलिजिबल तो फिर आप कोई अन्य आरआरबी सेलेक्ट करके यहाँ से फॉर्म का सेम प्रोसेस फॉलो कीजिएगा और आई होप आपके सामने वो एरर नहीं आएगा। तो यहाँ से आप आपका जो आरआरबी है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी के रूप में वो आप सेलेक्ट करें, यहाँ पर टिक करें एंड देन आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। अभी यहाँ पर आपकी जानकारी आएगी, कुछ जानकारी वही जो कि आपने अभी रजिस्ट्रेशन करते समय भरी और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है जैसे कि मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड अनमैरिड वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, रिलीजन आपका क्या हिंदू मुस्लिम जो भी है इनमें से वही आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर एक सवाल है कि डू यू विश टू अवेल फी एग्जेम्पशन यानी कि जो छूट मिलती है फीस के अंदर जो कि एससी एसटी को मिलती है क्या आप वो लेना चाहते हैं। अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप नो करेंगे और अगर आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस कर देंगे कि यहाँ जो छूट मिलती है फीस में वो मुझे चाहिए। इसके बाद मदर टंग यानी कि मातृभाषा आपकी कौन सी है जो भी है वही आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन यानी कि जो आपका एग्जाम होगा वो आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर फिर उसी लैंग्वेज में आपको पेपर देना होगा, आपको बाद में इसको एडिट करने का मौका भी नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप चाहे कि जब फॉर्म का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और फिर आप कहे कि यार मुझे तो किसी और लैंग्वेज में पेपर देना है तो वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए अच्छे से सोच समझ कर अपनी पेपर की लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। फिर परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, तो ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, आप उस निशान के बारे में यहाँ पर लिख दीजिएगा। अगर कोई ऐसा मार्क आपकी बॉडी के ऊपर नहीं है परमानेंट तो आप नो मार्क लिख दीजिए। फिर सेकंड मार्क अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक से ज्यादा मार्क है तो आप सेकंड मार्क के बारे में लिखेंगे, नहीं तो आप इसमें नो मार्क लिख सकते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर कम्युनिटी डिटेल्स आती है यानी कि कास्ट डिटेल्स की जानकारी, तो आप सबसे पहले आपकी कम्युनिटी सेलेक्ट करेंगे कि आप जनरल है, एससी एसटी है, ओबीसी है या फिर ईडब्ल्यूएस है, जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैंने वैसे ही रैंडमली यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट किया, नहीं तो मैं जो मेरी कैटेगरी है वो ओरिजिनल वो ओबीसी है, पर जैसे कि मैंने कहा कि मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको भरनी है। तो जैसे कि मैंने एससी सेलेक्ट किया तो आपके सामने इस तरह के ऑप्शन आएंगे जहाँ पर आपको आपकी कास्ट का नाम भी एंटर करना है। फिर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको देना है। इसमें कुछ कैंडिडेट का सवाल ये रहता है कि सर कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए या फिर स्टेट का, तो ये कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का होना चाहिए क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। फिर कौन सी अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है, इनमें से कौन से पोस्ट के अधिकारी ने आपका सर्टिफिकेट इशू किया है वो आपको सेलेक्ट करना है। आपको जो आपका सर्टिफिकेट है वो चेक करना है और जहाँ पर मोहर लगी हुई होती है, जहाँ पर साइन हुए हुए होते हैं वहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि कौन से पोस्ट के अधिकारी ने जारी किया है। अगर आपका सर्टिफिकेट तहसीलदार या नायब तहसीलदार के द्वारा जारी हुआ है तो आप तालुका मजिस्ट्रेट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे, कौन सी डेट में जारी हुआ है वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर जो फ्री रेल ट्रेवल पास मिलता है क्या आप वो लेना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो।
करेंगे। उसके बाद में जो आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, साथ ही साथ आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड भी करेंगे जिसका फॉर्मेट PDF का होना चाहिए। अगर वो इमेज में है तो आप गूगल के अंदर आएंगे और आपको इमेज टू PDF सर्च करना है, पहले वाली वेबसाइट ओपन करनी है, सिलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक करके जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो सिलेक्ट कर लेना है, कन्वर्ट टू PDF करना है, तो आपकी जो फाइल है वो PDF के अंदर बन जाएगी और उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में अपलोड डॉक्यूमेंट पर आकर के उस फाइल को यहाँ पर सिलेक्ट करके आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आती है आपके पोस्टल एड्रेस की जानकारी, एक तरफ है आपका परजेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है परमानेंट एड्रेस। तो जो भी आपका परजेंट एड्रेस है जहाँ पर आप करंट में रह रहे हैं वो एड्रेस आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, पहले स्टेट, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट, फिर आपका जो एड्रेस है वो आप एड्रेस के सेक्शन में लिखेंगे, फिर आपका विलेज, टाउन, सिटी, इनमें से क्या है वही एक चीज आप यहाँ पर भर दे और अपना पिन कोड डाल दे। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो आप यहाँ पर इन तीन लाइन के अंदर आपका जो एड्रेस है वो पूरा एडजस्ट कर देंगे। अब अगर आपका परजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर टिक कर दीजिएगा, अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से भर सकते हैं। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज यहाँ पर आपको कुछ सवालों के आंसर करने हैं, जैसे कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। उसके बाद में जो एक ये रूल है इसके अकॉर्डिंग क्या आपको लिखने में दिक्कत है, आपको एक स्क्राइब चाहिए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद क्या आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आते हैं, EBC सर्टिफिकेट होल्डर है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। फिर क्या आप रेलवे के एक सर्विंग एम्प्लॉय है जो करंट में रेलवे के अंदर काम कर रहा हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर है नेम ऑफ करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप यहाँ पर करंट में किसी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो आप सिलेक्ट कर ले। अगर आप यहाँ पर अनएम्प्लॉयड है तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट की जानकारी देनी है जिसमें कि आपकी फीस रिफंड की जाएगी, क्योंकि गाइज जिनसे 500 रुपये फीस ली जा रही है उनको यहाँ पर जो फीस है वो बाद में 400 रुपये रिफंड की जाएगी जैसे उनका टीयर फर्स्ट का एग्जाम हो जाएगा, और जो 250 रुपये फीस दे रहे हैं SC ST उनको पूरी की पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी टीयर फर्स्ट का एग्जाम हो जाने के बाद में। तो उसी के संबंध में ये जानकारी आपसे बैंक की ली जा रही है। आप यहाँ पर आपके बैंक का भी अपना अगर आपका खुद का बैंक अकाउंट है वो भी दे सकते हैं, या फिर आपको किसी और का बैंक अकाउंट देना है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसमें आपको आपका किस नाम पर बैंक अकाउंट है पहले तो वो लिखना है, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर में अकाउंट का नंबर देना है, फिर जैसे आप कन्फर्म अकाउंट नंबर डालेंगे और उसके बाद IFSC कोड डाल करके कन्फर्म करेंगे तो आपका बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस ऑटोमेटिकली फैच कर ले जाएगा। ये जो IFSC कोड है ये आपको आपकी बैंक की पासबुक के ऊपर भी मिल जाएगा, और अगर आप गूगल के अंदर सर्च करेंगे अपने बैंक का नाम लिख करके और वो बैंक जहां पर है उस सिटी का नाम लिख करके और फिर बाद में IFSC कोड, तो वहां से भी आप इसको ऑनलाइन वे में निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप यहां पर जानकारी भरेंगे और सेव कर देंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस यहां पर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी, जैसे कि आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं मेरी जानकारी पहले से भरी हुई है क्योंकि मैंने इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन भी करके रखा है और ऑलरेडी फॉर्म भी भरा हुआ है ग्रेजुएट लेवल का, इसलिए यहां पर मेरी जानकारी भरी हुई आ रही है। अभी आप सबसे पहले अगर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करके यहां पर आए हो तो 10th की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, जिसमें कि आपको 10th की इन्फॉर्मेशन में क्या क्या जानकारी देनी है वो आप देख सकते हैं। आपको आपकी स्टेट बतानी होगी जहां से आपने 10वीं की है, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट बतानी है जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने आपकी 10वीं की है, आपका बोर्ड नेम कौन सा है वो बोर्ड नेम आप यहां पर खुद से लिखेंगे, चाहे CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, UP बोर्ड हो या फिर किसी अन्य स्टेट का बोर्ड हो। उसके बाद डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, यानी कि आपका रिजल्ट किस डेट में डिक्लेयर किया गया था। अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो जो आपकी जो मार्कशीट है उसके ऊपर एक डेट लिखी हुई होती है मार्कशीट जारी होने की, वो डेट भी आप दे सकते हैं या फिर आप एक एक्सपेक्टेड डेट भी दे सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं आएगा। उसके बाद 10th का रोल नंबर क्या था वो आप यहां पर डालेंगे एंड देन आप यहां पर आपका सर्टिफिकेट भी अपलोड करेंगे। इसका साइज 500 KB से कम रहना चाहिए, अगर आप इसको 500 KB से कुछ ज्यादा ही कम बनाएंगे 200 या फिर 100 KB के अंदर तो ब्लर हो जाएगा, वो डिटेल्स आपकी अच्छे से शो नहीं होगी, इसलिए आपको यहां पर इसको सही से 500-450 के आसपास ही बनाना है एंड PDF के रूप में बनाना है। अगर आपकी फाइल जैसे आपने आपकी मार्कशीट का इमेज ले लिया और वो इमेज के रूप में पर आपको अपलोड उसको PDF के फॉर्मेट में करना है तो आप क्या करेंगे, आप गूगल के अंदर आएंगे और इमेज टू PDF ये सर्च करेंगे, पहली वाली जो वेबसाइट आएगी ये वाली ओपन कर लेंगे, उसके बाद सेलेक्ट JPG इमेज इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जो आपने 10th की मार्कशीट का फोटो लिया है मैं एग्जांपल के लिए इस फोटो को सेलेक्ट करता हूं, वो सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, फिर कन्वर्ट टू PDF कर देंगे। उसके बाद में फाइल आपकी PDF के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, फिर आप डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लेंगे एंड देन यहां पर ब्राउज के ऊपर क्लिक करके आपकी 10th की जो PDF है मार्कशीट की वो आप यहां से सेलेक्ट कर लेंगे।
और फिर वो यहाँ पर आपकी अपलोड होगी, उसके बाद आप उसको यहाँ पर अपडेट कर देंगे। देन गाइज यहाँ पर आपको आपकी 12वीं की इन्फॉर्मेशन भी देनी है, तो मैंने पहले से भरी हुई है, मैं इसलिए इसको एडिट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, फिर आप यहाँ पर आपका जो डिसिप्लिन है वो बताएंगे, जो कि 10+2 इस तरह से रहेगा। फिर आपको आपकी स्टेट बतानी है सेम तरीके से जैसे कि आपने 10वीं के अंदर बताई है, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट जहाँ से आपने आपकी 12वीं की है, फिर आपका बोर्ड का नाम, कब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था वो डेट आपको बतानी है। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता तो जो मार्कशीट के ऊपर डेट लिखी हुई है वो डेट ही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। फिर पूछे कि क्या आपको प्रोफिशिएंसी है इंग्लिश या हिंदी के अंदर, हिंदी में कंप्यूटर पर, अगर आपको आती है टाइपिंग इंग्लिश या फिर हिंदी, दोनों में कंपलसरी नहीं कहा, किसी एक में भी अगर आती है कंप्यूटर पर, अगर आती है तो करिए, नहीं आती तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको सीख लेनी है क्योंकि ये चीज़ आपको बाद में काम आएगी। तो आप यहाँ पर यस नो में आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग आंसर कीजिए कि हाँ आती है तो यस, नहीं आती है तो नो। फिर जो परसेंटेज आपकी 10वीं 12वीं की वो कितनी है वो आप यहां पर डाल देंगे। कुछ कैंडिडेट का सवाल है कि सर मेरे नंबर तो सीजीपीए में है, तो गाइज आप यहां पर आपके सीजीपीए को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके फिल करिएगा, एंड देन फिर आप इसको भी अपडेट कर देंगे। और 12वीं का सर्टिफिकेट यहां पर अपलोड करने को नहीं बोला, सिर्फ 10वीं का ही बोला है, तो इस तरह से आप इसको अपडेट कर देंगे। एंड देन यहां पर आप फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने इस तरह से जानकारी आएगी, आप यहां पर जो कास्ट सर्टिफिकेट ऑलरेडी अपलोड किए हैं उसको भी आप व्यू कर सकते हैं कि सही से अपलोड भी हुआ है या नहीं, एंड साथ ही साथ 10वीं का सर्टिफिकेट भी आप व्यू कर सकते है। अब आपको यहां पर फोटो एंड साइन अपलोड करना है, जैसा फोटो मैंने अपलोड करके यहां पर रखा हुआ है क्योंकि मैं फॉर्म डेमो के लिए भरा हूं, तो मैंने यहां पर एक रैंडम फोटो ऐसे ही अपलोड किया ताकि आपको बता पाऊं। इसमें आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, साइज़ 30 से 70 के बी के बीच में, पिक्सल कितना, फॉर्मेट क्या, वो सब आपको यहाँ पर दिया गया है। पर मैं आपको बता दूं कि इसके लिए मैंने एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, जो लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ, वो आप ओपन करेंगे, हमारी इस वेबसाइट पर आएंगे jobsgyan.in पर और इस वीडियो को वॉच करेंगे। इसमें मैंने अच्छे से बताया कि चाहे आप फॉर्म मोबाइल से भर रहे हैं या फिर कंप्यूटर से, आप दोनों से इस वीडियो को वॉच करके सिग्नेचर किस वेबसाइट का इस्तेमाल करके बनाएंगे, साइज़ कितना रखेंगे, पिक्सल कितना रखेंगे और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि फॉर्म आपका रिजेक्ट ना हो, क्योंकि फोटो को लेकर के काफी सारे फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे, तो इस वीडियो के अंदर वो सब जानकारी दी गई है। इसलिए ये वीडियो अच्छे से वॉच करके आप अपना फोटो साइन बना लीजिएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, और फिर आप यहां पर आपका फोटो साइन सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे। इसलिए मैंने आपको अलग से वीडियो बना करके दी है, क्योंकि अगर मैं यहां पर एक्सप्लेन करता तो वीडियो और भी लंबी हो जाती और आपको मजा भी नहीं आता कि यार कुछ ना कुछ मिस हो गया, इसलिए इस वीडियो को देख लीजिएगा जो कि मैंने अभी आपको सजेस्ट की है। एंड देन आप यहां पर जैसे आपके फोटो साइन अपलोड हो जाए सेव करेंगे, एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज यहां पर आपके सामने पोस्ट प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आ जाएगा, यहां पर जिस भी जोन पर या फिर जिस भी आरआरबी में आप अप्लाई कर रहे हैं उस आरआरबी में आपकी कैटेगरी में या फिर आपके रीजन में जिन पोस्ट पर आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है वही पोस्ट आपको यहां पर देखने को मिलेगी। कुछ कैंडिडेट के सामने ये वाला एरर आता है कि आप यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जिस आरआरबी में आप अप्लाई कर रहे हैं और जिस जोन में अप्लाई कर रहे हैं उसकी आपकी कैटेगरी में वहां पर वैकेंसी नहीं है, इसका मतलब यू आर नॉट एलिजिबल। ये कोई टेक्निकल एरर भी नहीं है, क्योंकि शुरुआत में मुझे लगता था कि ये टेक्निकल एरर है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा अगर आपके सामने ये वाला एरर आता है तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन में आइए और एक एक करके सभी रीजन को सिलेक्ट करके देखिए। अगर 2 रीजन में आता है सेम एरर, 3 में आता है, तो आपको एक एक करके सभी रीजन को चेक करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस रीजन चेंज करना है और सेव एंड नेक्स्ट करते चले जाना है, क्योंकि ऑलरेडी आप जानकारी भर चुके हैं। तो ये एकमात्र आपके पास तरीका है इस एरर से बचने का। और अगर फिर भी आपको कोई ऑफिशियल आंसर चाहिए तो आप एक बार आरआरबी की इसी वेबसाइट पर आकर के जो यहां पर आपको हेल्प डेस्क नंबर दिए हैं इन नंबर या फिर इन जो ईमेल आईडी के ऊपर आपकी जो भी प्रॉब्लम है जो भी आ रही है आपके सामने उसको डिस्कस कर सकते हैं, यहां पर आपको एक ऑफिशियल जवाब मिल जाएगा। पर जो आंसर है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब आप यहां पर आपकी प्रेफरेंसेस इस तरह से दे देंगे, एंड देन फिर यहां पर टिक करेंगे, उसके बाद में इसके ऊपर फिर पैलेस यानी कि कहां से आप फॉर्म को भर रहे हैं उसका नाम आपको यहां पर एंटर करना है। यहां पर आपको 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 आपकी सिटी का नाम एंटर करना होगा। इसके बाद गाइज आप यहां पर नीचे की तरफ आएंगे और प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी आपने भरी है उन सभी को चेक करेंगे। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में नीचे की तरफ आएंगे और मैं आपको बता दूं कि अभी तो आपके पास ऑप्शन है भी, मौका है भी, अगर कोई जानकारी गलत हो गई है उसको एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट करने का, क्योंकि अगर आपने एक बार यहां पर सबमिट कर दिया तो फिर आप बाद में एडिट तो कर पाएंगे पर उसके लिए फिर आपको अलग से ₹250 चार्ज देना होगा। इसलिए अभी समय लगा करके अच्छे से जानकारी चेक कीजिए, यहां पर टिक कीजिए और सबमिट कर दीजिए। और एक बार फिर से अगर आपने यहां पर सबमिट कर दिया तो इसका मतलब आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, अब आपके पास पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप अगर गलती इसमें कर दिए हो और आपको बाद में पता चल रहा है तो अभी आपको फीस जमा करनी होगी और जब फॉर्म आपका एडिट होगा उस वक्त जाकर के आप उसको सही कर सकते हैं। तो अभी आप यहां पर पे विद रेजर पे या फिर पे विद पे यू
जिसके माध्यम से आपको फीस जमा करनी है वो आप सिलेक्ट कर लें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप आपकी एप्लीकेशन फीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं। जैसे ही फीस जमा हो जाएगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। आप एप्लीकेशन हिस्ट्री के सेक्शन में जाकर के अपने फॉर्म को व्यू भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइज आप लोग RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल या फिर कह लीजिए 12th लेवल ऑनलाइन फॉर्म 2024 को भरेंगे लास्ट डेट के समय में। और अगर आपके सामने कहीं पर कोई एरर आया है कोई भी जानकारी के अंदर तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।